नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं चॉइस टैबलेट के बारे में। चॉइस टैबलेट को मशहूर कंपनी DKT कंपनी बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है 35 रुपये पर स्ट्रिप। ये 28 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है लेवोनोर्जेस्ट्रॉल 0.15 mg और इथेनोएजुलोकस में 0.03 mg। इसका यूज़ आप स्पेशल डॉक्टर की सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकेशन पे मिल जाएगी। चॉइस टेबलेट एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसे आप बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कह सकते हो। इसका यूज़ गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है, जैसे कि अगर आप अभी माँ नहीं बनना चाहते हैं या फिर आपके एक बच्चा पहले से है और दूसरे बच्चे के जन्म में आप 3 साल का गैप देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इस टेबलेट को यूज़ करके ये गैप दे सकते हो। और भी आपको इरेगुलर पीरियड्स की समस्याएं, यानी आपके पीरियड समय पर नहीं आते हैं, कभी मतलब बहुत लेट हो जाते हैं तो कभी पहले आ जाते हैं, तो भी आपके साइकिल मतलब आपका जो साइकिल सिस्टम है उसको सही करने में काफ़ी हेल्प करता है। इनके साथ ही आपको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है, आपको प्रोस्टेट कैंसर की समस्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको एक नया पिंपल हो रहे हैं, फीमेल हाइपोगोनाडिज्म की समस्या है, आपके अंडाशय में गांठ है या फिर मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या है, तो भी इसका यूज़ काफ़ी इफेक्टिव है। इस टेबलेट में आयरन होने के कारण यह आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में और आपकी कमजोरी को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये कई तरह से आपको प्रेग्नेंट होने से बचाते हैं, जैसे कि ये आपके अंडाशय में, अगर आपका अंडाशय है उससे एक को रिलीज होने से रोकते हैं, सेकंड ये आपके सर्विक्स में म्यूकस को गाढ़ा बना देते हैं, जिस कारण शुक्राणु गर्भ में एंटर मतलब शुक्राणु का गर्भ में एंटर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा भी ये गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा होने से रोकते हैं, और इसको मतलब इसका क्या आप 72 टाइप का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने मतलब अनसेफ इंटरकोर्स कर लिया है, यानी आपने असुरक्षित यौन संबंध बना लिए और आप अभी नहीं चाहते कि आप माँ हो, माँ बने या फिर आप प्रेग्नेंट हो, तो ऐसे में आप 72 घंटे के अंदर एक साथ 3 टेबलेट लेते हैं तो आप अनसेफ प्रेगनेंसी से बच सकते हो। ये टेबलेट आपकी पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन को कम करती हैं और पीरियड्स में एक्स्ट्रा ब्लड को निकलने से रोकती हैं। ये आपको ओवरी और यूटेराइन के जो कैंसर हैं उससे भी बचाती हैं। साथ ही आपको आपकी फैमिली में कोई भी मतलब फंक्शन आ रहा है या फिर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आ रहा है और उसी टाइम आपकी डेट है, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपकी डेट आगे बढ़े, तो ऐसे में आप एक टेबलेट रोजाना जितने दिन आपको बढ़ाने उतने दिन एक टेबलेट लेते हैं, तो इससे आपकी पीरियड्स को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। जानते हैं इसके सावधानियों के बारे में, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप एल्कोहल का यूज़ करते हैं, पहले से आपको कोई भी सीवियर हार्ट डिजीज रहे हैं, आपको वेजाइना का कैंसर रहा है या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो इसी सभी कंडीशंस में इसका यूज़ करने से पहले आपकी जो भी स्थिति है वो डॉक्टर्स को बताएं, उसके बाद इसका यूज़ करें तो ठीक रहेगा। डोज की अगर बात करें तो अलग अलग डिजीज में इसका अलग अलग डोज होता है, पर नॉर्मल कंडीशन में से जो दिया जाता है वो है एक टेबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर आपको लेना है। इसे अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो इसे आपके पीरियड्स खत्म होने के अगले दिन से लेना स्टार्ट करना है, जैसे कि अगर आपके मतलब आपके जो पीरियड्स हैं वो 1 तारीख को स्टार्ट होते हैं और 5 तारीख को ख़त्म होते हैं, तो 6 तारीख से आपको इसे लेना स्टार्ट करना है। और गलतीवश अगर आप इसकी एक टेबलेट लेना भूल गए हैं तो अगले दिन आप एक साथ 2 टेबलेट ले सकते हैं। बात करते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे वजन बढ़ना, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, गर्भाशय से अनियमित ब्लीडिंग होना और कई बार इससे महिलाओं के पीरियड्स कम होने आने लग जाते हैं, जिस कारण उनके पेट में मोटापा हो सकता है और उल्टी और जी गड़ने से समस्या आपको उनको नजर आ सकती है। ये जो साइड इफेक्ट है ये कुछ टाइम के लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।